नाज़िब, वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो गाइस। सो आज कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे वीडियो के रिगार्डिंग। वेल, काफ़ी टाइम से आप काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी टॉपिक्स पे आपके लिए लेके आए और आप सबने बहुत लाइक उसको पसंद किया। तो आज बात करने वाले हैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो मैंने एक बैक वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एज अ क्रिएटर आपको एक सेंसेबल और एक अच्छा क्रिएटर के लिए ट्रेंडिंग को फॉलो करना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मूवी को गाइस, एक एक्शन मूवी, भरपूर एक्शन से भरी हुई मूवी है गाइस। एंड एक तो इसमें एक्शन सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इस मूवी को लाइक काफ़ी पुरानी मूवी है, काफ़ी लोगों की लाइक बहुत हद तक लोगों की फैन बेस इसके ऊपर क्रिएट है। और आज इसके रिगार्डिंग हम कुछ भी अगेंस्ट इसके नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है इसके फैंस हमारा बुरा हाल कर देंगे। वेल, मूवी को हम बताते चले आपको, हम क्रिश की बात करने वाले हैं। क्रिश इसकी गाइस तीन पार्ट आ चुके हैं, 1, 2, 3। एंड लाइक तीनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा ऑसम है इस मूवी के। एंड स्पेशल हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के हवाले से। लाइक ऋतिक रोशन ने लाइक जिस तरीके से रोल प्ले किया, डबल रोल प्ले किया, और ये करेक्टर लाइक करेक्टर के लिए इतना इजी नहीं है कि डबल रोल प्ले करे, हर कोई इजीली प्ले नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया लाइक क्लासी गाइस, और एक्शन से तो आपको पता है भरपूर है, 1, 2, 3 तीनों मूवी एक्शन से भरपूर है। अच्छा, फर्स्ट में देखें ना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब मूवीज पूरी कॉन्सेप्ट से बनी हुई है ये। फर्स्ट में आपने देखा कि एक बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, उसको एक एलियन मिलता है, एंड आफ्टर दैट वो अपनी पावर्स उसमें स्विच अप करता है। फिर सेकंड पार्ट पे उन लोगों ने कंटिन्यू किया कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर उसकी लाइक उसी फर्स्ट पार्ट में तो लाइक ऋतिक रोशन की शादी हो जाती है, आप लोग देखते हैं। उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसका एक बेटा होता है, फिर लाइक कोई सिनेरियो बन जाता है, फिर जो उसका बेटा होता है बिल्कुल ही उसके हमशक्ल होता है। मतलब वो मूवी ऐसे बनाई गई है कि उसके तीनों पार्ट परफेक्ट बनते हैं, हर उसकी एंडिंग प्रॉपर नहीं होती क्योंकि उसका वहाँ से सेकंड पार्ट लॉन्च होना होता है। और आई होप सो लाइक अब क्रिश 4 भी आने वाली हो, जिस तरीके से क्रिश 4 की एंडिंग थी, इसके रिगार्डिंग आपकी क्या थॉट्स है, क्रिश 4 आएगी या नहीं आएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी जिस तरीके से इसका एंड किया गया क्रिश 1, 2, 3 की तरह, उस तरीके से इसकी क्रिश 4 भी आ सकती है। वेल, हर किसी की अपनी ओपिनियन, अपने थॉट्स, हमारे ओपिनियन तो और थॉट्स यही है कि मे बी क्रिश 4 लॉन्च हो जाए सून एज पॉसिबल। और काफ़ी तगड़ी फैन बेस है गाइस, लाइक आई एम श्योर दैट 50% ऑफ अमाउंट जो भी इस मूवी की है वो ऋतिक रोशन की फैन से और बाकी इधर उधर से आई जाते हैं गाइस। वेल, आपके क्या ओपिनियन, क्या थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। फिल्म के लिए इतना ही, निकलते हैं नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।